नमस्ते सर, कुछ बात पूछना था। बताइए, क्या नाम है आपका? राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह जी, जी सर, मेरे को सेकंड हैंड गाड़ी लेना है। सर, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का वो करवाना पड़ेगा? आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? जी सर। नमस्कार नमस्कार इंजन मेरे साथियों, तो आप हैं राजकुमार सिंह जी, है ना जी, जी। और कभी भी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है देखना, और पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है मेरे प्यारे साथियों। सेकेंड हैंड अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो जी, है ना, ये ज़रूरी है जी सर। गाड़ी लेने के बाद भी आप बनवा सकते हैं लाइसेंस, लेकिन अगर लाइसेंस है तो ज़्यादा सही रहता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको उस पर मुख्य जो दस्तावेज है उसके जी सर, तो जिस जो विक्रेता है जो आपको दे रहे हैं जी, तो विक्रेता का जो है ओरिजिनल, उस गाड़ी का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके पास आरसी होना आना चाहिए वो आपको देंगे, ठीक है। एक शपथ पत्र होता है जो तहसीली वगैरह से होता है ना जी, एफिडेविट समझ रहे हो आप, शपथ पत्र होता है, वो शपथ पत्र में देंगे कि हम इनको जो है आप क्रेता हो, वो विक्रेता है, तो एक शपथ पत्र भी होना चाहिए, ठीक है। और गाड़ी के साथ आप दोनों की फोटो, गाड़ी के साथ आप दोनों की फोटो होना चाहिए, एक तरफ वो, एक तरफ आप खड़े होके गाड़ी के साथ ये फोटो, और आईटीओ जो अपना रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है वहाँ जाकर आपको अप्लाई करना है, और ट्रांसफर जब तक नहीं हो जाता तब तक उस गाड़ी को नहीं चलाना है जी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अक्सर ये देखते हैं, बात और था हाँ, कि जैसे हम फोर व्हीलर को, मतलब जैसे लाइट लाइट बनता है लर्निंग में, तो हम किसमें चला सकते हैं? हाँ, फोर व्हीलर का देखिए, फोर व्हीलर का LMV में आप चला सकते हैं जी, लाइट मोटर व्हीकल में फोर व्हीलर चल सकता है जी, अब तो कमर्शियल भी चलते हैं जी। तो बहरहाल आप लोग सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, तो मैं आप सभी को पूरी क्लियर जानकारी बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, वीडियो पे बने रहिएगा आप। तो सेकेंड हैंड अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देख लें कि वो गाड़ी जो है उस गाड़ी पे कोई अपराध पंजीबद्ध तो नहीं हुआ जी, मतलब कोई एक्सीडेंटल तो नहीं है, कोई खींची हुई गाड़ी तो नहीं है, कोई बैंक के द्वारा खींची गाड़ियां होती हैं, उनके रजिस्ट्रेशन में बहुत लफड़ा होता है, उनके पार्टी ट्रांसफर में बहुत दिक्कत होती है, तो ऐसी गाड़ियों से हमको बचना है। अगर कोई आपका दोस्त है, भाई है, अगर वो बेच रहा है आपको सेकेंड हैंड, तो आप लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन ये सब चीज़ें होना चाहिए कि सबसे पहले तो आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका जी, और जो विक्रेता है उनका, उनका, ठीक है, फोटो आपकी और उनकी पासपोर्ट साइज, ये मतलब ये आईटीओ में लगता है, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद एक एफिडेविट शपथ पत्र बनता है, ठीक है, एक NOC लेटर भी बनता है कि भाई इस पे, और एक थाने पे सूचना भी आप दे सकते हैं, तो सूचना की भाई उसके वेरिफिकेशन, जैसे उस गाड़ी से कोई घटना दुर्घटना तो नहीं हुई है, तो ये सारी जानकारी होने के बाद, मेरे प्यारे साथियों, आप सस्ते के चक्कर में कई बार लोगों से गलतियां होती हैं और वो कभी भी उनका रजिस्ट्रेशन उनके नाम पर नहीं हो पाता है जो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं। तो सेकेंड हैंड गाड़ी अगर खरीद रहे हैं तो आपका, आपके नाम पर जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं आ जाता, जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाता है, तब तक उसको हमको नहीं चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। कई लोग मेरे पास आते रहते हैं, पलटे आते हैं, कोई ना कोई मिल जाता है, बोलते सर वो गाड़ी तो दे दी है हमने, पैसे भी उसने दे दिया, लेकिन ट्रांसफर नहीं करा रहा है वो, नहीं करा रहा है, तो उसमें बड़ी समस्याएं होती हैं, कोई घटना दुर्घटना होने पर फिर बड़ी मुसीबत झेलना पड़ता है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप जब ट्रांसफर हो जाए ना, तब उसको गाड़ी सौंपें, आप पहले ट्रांसफर करवा लेंगे फिर उनसे गाड़ी लेंगे जी, ठीक है जी सर, ट्रांसफर आपके नाम पर हो जाना चाहिए। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, और दस्तावेज से जो संबंधित है, आईटीओ ऑफिस में या रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जब आप जाएंगे तो आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो वो, हाँ, दोनों लोगों का, क्रेता विक्रेता और फोटो गाड़ी के साथ, एक पूरा बिथ नंबर प्लेट, और ये सब सारी प्रोसेस होती है, आप आरटीओ में जाओगे चेचिस नंबर देखा जाता है ना उस गाड़ी का, तो विधिवत ये प्रक्रिया है, और बहुत ज़्यादा इसका फीस नहीं है, मामूली सी फीस है, और बहुत ज़्यादा घुमाव फिराव नहीं है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन अगर आप खींची हुई गाड़ियों के चक्कर में हैं, नीलामी वगैरह की गाड़ियों के जितने ज़्यादा अगर आप करते हैं, तो उस पर थोड़ी प्रोसेस जटिल हो जाती है मेरे प्यारे साथियों। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदें,
तो ये दस्तावेज जरूर रखें और ये वीडियो एक बार जरूर देखें। ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से दोस्तों, तीन चार मिनट का वीडियो है और इसको जरूर देखें। ठीक है राजकुमार जी, आप लीजिए सेकेंड हैंड गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये भी देखना है हमको बहुत पुरानी ना रहे जी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की भी एक सीमा है, आप भी जानते हैं 15 साल बाद फिर रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 साल एक्सटेंशन मिल जाता है अभी, फिर भी हमको ये देखना कि 6-7 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी नहीं लेना है। ठीक है, और उसका इंजन वगैरह क्या चेंज हुआ था ये भी बहुत ध्यान देने बात रहती है ना। ठीक है, चोरी की गाड़ी ना हो, इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, तो बिल्कुल पूरा वीडियो देखिए और समझिए और शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।